रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खरीद से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो लीड जनरेशन पे है, कह लें कि लीड जनरेशन कैसे की जाती है और क्या कहाँ की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ज़िलों पे कैसे की जाती है, क्योंकि हम रियल इस्टेट का काम करते हैं तो हमारी ज़िलों बेस्ट है, तो हम उसकी आपको लीड जनरेशन का ही मैं बताऊँगा। तो आपको बताऊँगा कि लीड जनरेशन ज़िलों पे कैसे करनी है, वहाँ पे आपको लीड्स कैसे मिलती हैं, ठीक है ना, उसका तरीकाकार क्या है। और फिर से अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे और काम सीखना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, और बेल आइकन को जो है ऑल पे कर दें ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख लिया करें, आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। ज़िलों पे लीड्स निकालने का तरीकाकार क्या है, ये वीडियो इसके रिलेटेड मैं बना रहा हूँ कि ज़िलों पे आप लीड्स किस तरह से निकालेंगे, वहाँ फ़िल्टर्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, ठीक है, और वहाँ से वो लीड जनरेशन कैसे होगी, ठीक है। आपको लीड्स जनरेट करनी है अपने क्लाइंट के लिए, लीड्स जनरेट करने का जो तरीकाकार मैनुअल तरीकाकार है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद ये मैनुअल है, बाकी जो ऑटोमेशन वगैरह है उसके बारे में भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ फिर स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन पर जाकर आपको दिखाते हैं कि ज़िलों पर कैसे करते हैं लीड जनरेशन। हम आ गए हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहाँ ज़िलो खोलिए, मैंने ज़िलो खोलने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे हमने लीड जनरेशन किस तरह से करनी है, लीड जनरेशन का तरीका क्या है, जैसे मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ। सिंपली हम जिस सिटी में, स्टेट में, जहाँ पे भी कुछ सर्च करना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी सर्च करनी है, हम वो पहले यहाँ पे एड्रेस देंगे। देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं, व्हेन यू आर रेडी फॉर अ चेंज यू आर रेडी टू हेल्प। अब बाय वाली अगर आपको चाहिए, आपको रेंट वाली चाहिए, आपको सेल वाली चाहिए, ये आप पे जो है वो डिसाइड करना है आपने कहाँ पर होगा। हम यहाँ पर ये दे देते हैं ओक्लाहोमा का, मैं देता हूँ इधर गया, ओक्लाहोमा सिटी, ओके सिटी मैंने डाल दी है, ओक्लाहोमा स्टेट है, ओक्लाहोमा ही सिटी है इसकी। अब यहाँ पे फिल्टर के ज़रिए से जो सर्च होती है, यहाँ ये फॉर सेल बाय एजेंट कमिंग सोन बाय ओनर ऑक्शन न्यू कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेयर, यहाँ हर तरह की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो हमें क्या करना होता है, हम कमिंग सोन को छोड़ देंगे, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है, हम ऑक्शन वाली छोड़ देंगे, फॉर प्लेयर वाली छोड़ देंगे, फॉर क्लोज्ड, प्री फॉर क्लोजर, इनको छोड़ देंगे, बाय ओनर, बाय एजेंट और न्यू कंस्ट्रक्शन, जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुई हैं या जो बाय एजेंट लिस्टिंग्स लगी हुई हैं या जो बाय ओनर लगी हुई हैं, हम उनको निकाल लेते हैं, वो हमें फ़ायदे में रहेंगी, ठीक है, सिंपल, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ यूज़ करते हैं फ़िल्टर्स, ठीक है, फ़िल्टर्स यूज़ करके आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ निकालनी होती है। फ़िल्टर्स यूज़ कैसे होने हैं ये पूरा मैं क्राइटेरिया वीडियो के अंदर समझाऊंगा। वीडियो अगर आप पूरी देखोगे, वीडियो मैं थोड़ी सी लंबी करने वाला हूँ, पूरी डिटेल एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, दो तीन वीडियो इस पर नहीं बना रहा ज़िलों पे, ठीक है ना। लीड जनरेशन ज़िलों पे और फिल्टर्स कैसे यूज़ करना है, दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में, ठीक हो गया। अब हम फॉर सेल बाय ओनर को उड़ा देते हैं, बाय एजेंट वाली हम लिस्टिंग से निकाल रहे हैं एक चीज़, ठीक है, फॉर सेल वाली एक छोटी सी वीडियो बाद में बना देंगे, चलें बाकी फ़िल्टर्स में इसको फॉर सेल बाय एजेंट वाली या जो बाकी हैं उनको हम सिखा पाएंगे। अब यहाँ पर प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज आपने देनी है कि आपको क्लाइंट ने किस प्राइस रेंज में कहा है कि मुझे प्रॉपर्टीज़ चाहिए, ठीक है। अब वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे 150K यानी कि $1.5 लाख से और $4 लाख तक, या नीचे आ भी रहा है, ठीक है, $5 लाख तक जो है, ये प्राइस रेंज 150K to 500K, इस रेंज में प्रॉपर्टीज़ चाहिए जो उसको ज़रूरत है। बेड्स एंड बाथ, ये भी क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ था कि बेडरूम्स कितने चाहिए, बेडरूम्स हमें हम कह देते हैं वगैरह 3+ हों, तीन हों या 300 ज़्यादा हों, 3 से कम ना हो। बाथरूम जो कहता है जी मुझे 2 या 2+ चाहिए, डन, ये भी हमारा फ़िल्टर लग गया। होम टाइप कौन सा हो, हाउसेज हों, मैन्युफैक्चर्ड हों, कंडोज हों, मल्टी फैमिली अपार्टमेंट्स, लॉट्स, लैंड्स, टाउन होम। लॉट्स और लैंड्स के बारे में आपको मेरे ख्याल पहले भी कुछ वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया कि लॉट कहते हैं प्लॉट को, हम यहाँ पर प्लॉट कहते हैं ना, लेकिन वहाँ पे इसको लॉट कंसीडर किया जाता है, इसको लॉट कहा जाता है, जो आपका प्लॉट है ये लॉट काउंट होगा, इसके ऊपर जो बिल्डिंग है उसके बिल्डिंग उसको कहते हैं बिल्डिंग, और या उसका इंप्रूवमेंट वैल्यू वगैरह कहा जाता है उसको, ठीक हो गया। हम इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, हमें हाउसेज चाहिए, मीन्स कि सिंगल फैमिली होम जिसको ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं वो हाउसेज होते हैं, सिंगल फैमिली होम, ठीक है, हमने हाउसेज लगा दिया, फिल्टर इसका लगा दिया, ठीक है। मैक्स एच ओ एनी टूअर्स मस्ट हैव ओपन आवर्स, ठीक है, मस्ट हैव 3D टूअर, जो जो आप यहाँ फिल्टर लगाए हैं वो फिल्टर्स आपको सारे दिखा रहा हूँ। पार्किंग स्पॉट्स कितनी हो, 1+, 2+, 3+, 4+, जितनी आप लगाना चाहें, या क्लाइंट ने जो आपको कहा है, या मस्ट हैव गैरेज, फिर वही आएंगी जो जिसमें सिर्फ गैरेज होगा, जो हम फिल्टर्स जो हैं यहाँ पर लगाएंगे। स्केयर फीट, हमें स्केयर फीट जी क्लाइंट कह रहा है जी हमें 1000 to 3000 इसी रेंज में चाहिए, इससे कम ना हो, इसमें ज़्यादा ना हो, लेकिन वन एजेंट लिस्टिंग निकल रही है इसके ऊपर, तो इसको हम वैसे ही निकाल देते हैं, हम नहीं करते, इसको एनी कर देते हैं, इसको भी एनी कर देते हैं, ठीक है। लॉट साइज़,
लॉट साइज़ का फ़िल्टर है, ईयर बिल्ट, बना कब था, मिनिमम और मैक्सिमम कम से कम कब पहले बना था और कहाँ तक, यानी कि आप यहाँ लगा सकते हैं 2000 टू 2010 भी लगा सकते हैं, 1970 टू 2000 लगा सकते हैं। बेसमेंट हैज़ बेसमेंट हो या ना हो ये आपने लगानी है। नंबर ऑफ स्टोरीज, सिंगल स्टोरी ओनली, सिंगल स्टोरी लगानी है या डबल स्टोरी लगानी है, मीन सिर्फ सिंगल स्टोरी हो आपने वो लगाना है। अदर अमेनिटीज़ क्या, मस्ट हैव एसी, मस्ट हैव पूल, वाटर फ्रंट, क्योंकि जब कोई लिस्ट करते हैं ना अमेरिका में प्रॉपर्टी, यहाँ जिलों पे करते हैं, एमएलएस पे करते हैं, कहीं भी करते हैं, वो पूरी डिटेल जो है वो डालते होते हैं उसके अंदर कि इसमें कौन कौन सी चीज़ मौजूद है, ठीक है। व्यू क्या है इसका, व्यू का सिटी व्यू हो, पार्क व्यू हो, माउंटेन व्यू हो, वाटर व्यू हो, जिलो ऑन्ड, मूव इन रेडी होम्स अवेलेटेड एंड रिपेयर्ड बाय जिलो, ये सबसे जिलो भी दे रहे हैं ना, तो इसके लिए वो यहाँ इनका ये भी है। डेज ऑन जिलो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिलों पे कितने दिन से लिस्टेड है प्रॉपर्टी, खड़ी है, सेल आउट नहीं हुई है, और जिलों पे उसकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव है। वन डे, सेवन डेज, 14 डेज, 30 डेज, 90 डेज, यानी कि आपने आप 6 माह का भी लगा सकते हैं, 36 माह का भी लगा सकते हैं, 7 दिन का भी लगा सकते हैं, तो कितने दिन पहले से ये जो लिस्टिंग है ये हमारी एक्टिव खड़ी हुई है, यहाँ उसके साथ शो भी हो रहा होता है, मैं अभी आपको उधर उधर लेके जाता हूँ। उसके बाद आप MLS नंबर दे सकते हैं, यार्ड दे सकते हैं, एटसेट्रा, यहाँ कीवर्ड्स के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। ये तो हो गए जी फिल्टर्स, फॉर सेल बाय एजेंट हमने लगाया, ये प्राइस रेंज लगाई है, हमने बेड बाथ लगाए, 3x2 बाथ लगाए, हाउसेज हों, सिंगल फैमिली होम्स हों, यानी कि, और यहाँ पे हमने और कोई नहीं लगाई, क्लाइंट के हिसाब से हम लगाएंगे इसको छोड़ दो। अब यहाँ हमने सिर्फ फिल्टर सेट किए हैं, सिटी सेट की है, तो हमारे पास 205 एजेंट लिस्टिंग्स आ चुकी हैं। ये पहली लिस्टिंग खड़ी है 4x2 बाथ, 1 डे ऑन जिलो, एक दिन हुआ इसको जिलो के ऊपर लिस्ट हुआ, इसको भी 1 डे, इसको भी 1 डे, इसको 27 मिनट हुआ, अभी 27 मिनट हुआ अभी लिस्ट हुई है, इसको 5 आवर्स अगो, ठीक है। ये 3-2 वाली कोई प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे, ये 5 आवर्स अगो, ये आप देखते जाएं, ये देखें 3-2 ओपन, ये ओपन का भी आ रहा है कि ओपन कब है, ये आपको अगर शोइंग करनी है आपने जाकर अपॉइंटमेंट सेट करनी है आप देख भी सकते हैं ओपन इस वक्त, ठीक है। ये 12 घंटे पहले, 13 घंटे पहले, यहाँ पे ये 2 डेज ऑन जिलो, 2 डेज, ये 3 डेज ऑन जिलो, ठीक है। इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं ना यहाँ से, ये सॉर्ट बाय न्यूएस्ट, ठीक है, सॉर्ट बाय न्यूएस्ट, यहाँ पे आपको ये प्राइस हाई टू लो आप कर सकते हैं, होम्स फॉर यू कर सकते हैं, प्राइस लो टू हाई कर सकते हैं, न्यूएस्ट, बेडरूम्स, बाथरूम, स्क्वेयर फीट, लॉट साइज, यानी कि सॉर्ट करने का तरीका कार आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको सॉर्टिंग करके जिलो यहाँ पे सर्च साइज है वो दिखा देगी कि आपने इस तरह से इसको देखना है, ये इसका जो क्राइटेरिया सारा वो आ रहा है, ठीक हो गया। फिल्टर लगा के यहाँ से आपने डाटा निकालना होता है। अब आपने जो निकालना है डाटा, कैसे निकालना है, इसको आप ओपन करेंगे, प्रॉपर्टी ओपन होगी, प्रॉपर्टी ओपन होने के बाद आपने सिंपल यहाँ से जाके एड्रेस सेलेक्ट करना है, जिस तरह जिस क्राइटेरिया से, अगर आप एक ही वहाँ सेल में अपने शीट में डालना चाह रहे हैं तो आप पूरा डाटा निकाल लेंगे, नहीं तो जो प्रॉपर क्राइटेरिया होता है जिस तरह से हम लोग करते हैं या मैक्सिमम हो रहा होता है कि स्ट्रीट एड्रेस, जैसे मेरे वीडियोज़ में जो डिटेल्स वीडियोज़ हैं इसकी इंफॉर्मेशन की बेसिक्स की, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस आप पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, जाके स्ट्रीट एड्रेस में डाल देंगे, फिर आगे सिटी, फिर आगे स्टेट, फिर आगे जिप कोड, 4 सेक्शन हो जाएंगे, 4 आपके पास कॉलम्स होंगे आपके प्रॉपर्टी एड्रेस के लिए। देन आप जिलो उसमें वैल्यू डालोगे, इसकी लिस्टिंग प्राइस, लिस्टिंग प्राइस आप डाल दोगे, बेडरूम डाल दोगे, बाथरूम डाल दोगे, स्क्वेयर फुटेज आ रही है वो भी डाल दोगे। अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि जिलो से मैं निकाल के दे रहा हूँ, हमें जिलो एस्टीमेट भी दो, जिलो एस्टीमेट, ये जिलो अपनी तरफ से जो है एक एस्टीमेट देता है कि जी इसकी यहाँ की इस प्रॉपर्टी की जो इस वक्त की वैल्यू है, ठीक है, अपना एस्टीमेट है, तो जिलो ने निकाला, उन्होंने अपना नाम रखा जी एस्टीमेट, वो है $205,736, लेकिन इसने लिस्ट प्राइस क्या की हुई है $223,000, ठीक हो गया, ये आ गया। इसके बाद आपसे क्लाइंट और चीज़ें मांग सकता है, ज़रा नीचे देखिएगा इस साइड पर, टाइम ऑन जिलो 5 आवर्स को, व्यूज़ 48 है, ठीक है। हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि हम यहाँ पे इसके आगे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें देखा है, ये सिंगल फैमिली, ये घर कौन सा है, सिंगल फैमिली होम है, कूलिंग सेंट्रल एयर है, ठीक है, ईयर बिल्ड 1974 है, पार्किंग अटैच्ड गैरेज है, हीटिंग सेंट्रल गैस है, लॉट 8925 स्क्वायर फुटेज है, लॉट का साइज बिल्डिंग का नहीं है, ये लॉट का साइज है, प्लॉट का आ रहा है, ठीक है जी। अवेलेबिलिटी वगैरह ठीक है, ये एस्टीमेट आ गया नीचे भी, अगर आप रेंट वाली प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं तो उसका भी आता है, ठीक है, उसका रेंट एस्टीमेट आता है और उसके रेंटल की हर चीज़ आ रही होती है। प्राइस हिस्ट्री जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था, 4/29/2014 को ये सोल्ड हुई थी, प्राइस क्या थी, 168,000, यानी कि $168,000 में ये प्रॉपर्टी सेल आउट हुई थी 2014 में 4/29 को, ठीक है। ये पब्लिक रिकॉर्ड में से भी आपको निकाल के डिटेल देता है, अक्सर क्लाइंट आपसे ये चीज़ें भी मांग लेता है, ठीक है, तो मुझे जी उसकी सोल्ड हिस्ट्री भी आपने देनी है,
ये चीज़ें आपको काउंटी असेसर से ही मिलती हैं, वहाँ पे सारी डिटेल मौजूद होती है। जब काउंटी असेसर से डिटेल्स निकाल रहे होते हैं, मिलिंग एड्रेस वगैरह सेक्टर सेक्टर, या वहाँ भी मिलती है, लेकिन यहाँ आपको ज़िलों पे भी हर चीज़ मिलती है, क्योंकि ज़िलों जो है MLA के साथ मिलकर समय काम करती है, वहाँ से डाटा उठा रही होती है। ठीक हो गई, प्राइस हिस्ट्री वगैरह भी इसकी आ गई, सेल हिस्ट्री भी आ गई, पब्लिक टैक्स हिस्ट्री 2019 में $1610 इसने पे किया, टैक्स असेसमेंट कितनी थी 17160 था, 2018 में पे किया, ये यहाँ इसकी डिटेल्स भी आ गई हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ एजेंट का नेम और नंबर भी दिया हुआ होता है कि आप उसको रब्ता कर सकते हैं। ये देखें, कॉन्टैक्ट एजेंट, यहाँ आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, नेम फ़ोन अपना देंगे, अपना ईमेल देंगे, आप उसको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। यहाँ उसका नेम नहीं आया आई थिंक, वैसे FSBO का जो है फॉर सेल बाय ओनर का नेम नहीं है, तो ओनर का नंबर यहाँ पे ज़रूर आ रहा होता है, आप लोग ओनर से रब्ता तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका नेम नहीं आया एजेंट का, लेकिन यहाँ पे होगा आई थिंक, एजेंट इसमें नहीं आ रहा, लेकिन अक्सर में आ भी जाता है। बहरहाल सिंपल चीज़ आपको क्राइटेरिया बता दिया कि आपने निकालना क्या क्या है, ठीक है ना, आपको फ़िल्टर कैसे लगाने हैं, फ़िल्टर लगा के इसको करना किस तरह से है, इसकी क्या क्या चीज़ यहाँ से पुल करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी FSBO पे वीडियो बना दूंगा छोटी सी, उसमें आपको बकायदा जो है कॉपी पेस्ट करके बता दूंगा किस तरह से करना होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।